जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में 23 जुलाई को जिंदल पार्किंग रायगढ़ में वाहन चालकों व परिचालकों के लिए विशेष कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में 30 जुलाई को जिंदल पार्किंग रायगढ़ में वाहन चालकों व परिचालकों के लिए विशेष कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा समस्त ट्रांसपोर्टर से अपील की गई थी कि वे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपने वाहन चालकों एवं खलासियों का वैक्सीनेशन करवाएं। जिंदल पार्किंग में विशेष कोविड वैक्सीनेशन कैंप में 18 वर्ष की उम्र से ऊपर सभी वाहन चालकों एवं खलासी को कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगाई गई। सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। वाहन चालक परिचालक अपना आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे थे। अभी नहीं तो कभी नहीं की अपील के साथ जिला प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द रायगढ़वासी टीकाकरण कर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहकर टीकाकरण केंद्र में आएं। पुलिस विभाग ने समस्त ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया था कि 30 जुलाई को जिंदल पार्किंग रायगढ़ में वाहन चालकों एवं खलासी के लिए विशेष कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। उक्त सेंटर में 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी वाहन चालकों एवं खलासियों को कोविड-19 का डोज लगाया गया। सभी के सहयोग से जिंदल पार्किंग में वैक्सीनेशन कार्य संपन्न हुआ। कलेक्टर महोदय एवं कमिश्नर महोदय के विशेष निर्देशानुसार आज टीकाकरण महाअभियान का ये 30 तारीख को किया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्टर जो छूटे हुए रहते हैं, जो लगातार इधर से उधर प्रवास करते रहते हैं, जिनको आज टारगेट में लेकर विशेष रूप से टीकाकरण अभियान किया गया है कि वो छूटे ना, वो आज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर जिंदल में लगाया गया है स्पेशल, और आज यहीं पर किया जाएगा टीकाकरण उनका। मतलब 18+ में जितने भी छूटे हैं कोई भी आके यहाँ लगवा सकते हैं? 18 प्लस ऊपर वाले जितने भी रहेंगे उनको टीकाकरण आज यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में किया जाएगा। साथ ही पूरे रायगढ़ शहर अर्बन एरिया में ये टीकाकरण किया जा रहा है। सर, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगा कि यहाँ जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो यहाँ आकर टीकाकरण का लाभ उठाएं एवं कोरोना से अपना बचाव करें। कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार हमारे जो छूटे हुए ड्राइवर और खलासी हैं जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, उनके लिए आज यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से एक विशेष कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा समस्त जो ट्रांसपोर्टर्स को और वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि अपने ड्राइवर्स और हेल्पर्स को यहाँ पर वैक्सीनेशन हेतु उपलब्ध कराएं। हमारी भी यहाँ पे निगम की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी छूटे हुए ड्राइवर्स और हेल्पर्स हैं, क्योंकि वो जगह जगह जाते रहते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, तो अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो वे और उनका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।